वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महिंद्रा थार 2014 CRDE का रिव्यू। और सबसे पहले गाड़ी का वॉक अराउंड दे देते हैं आपको। सो ये है 2014 मॉडल थार CRDE 4x4। इसके साथ एक वेरिएंट और आता था CRDI, जो कि इससे कम पावर प्रोड्यूस करता था, बट ये CRDE ही है। इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 105 BHP मिलते हैं और 247 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इससे कंपेयर करें CRDI को तो वहाँ पर आपको 60 BHP और 180 Nm का टॉर्क मिला करता था। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो ऐसी इसकी कुछ ग्रिल है, राउंड हेडलैम्प्स आते हैं इसमें, ये प्लास्टिक का बम्पर है, ये मॉस्किटो मेश आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, ये अलॉय व्हील्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हैं, रनिंग बोर्ड, और कंपनी से ये गाड़ी सॉफ्ट टॉप के साथ आती है लेकिन ये हार्ड टॉप में कन्वर्टेड है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्सेसरीज गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। एक नज़र इंटीरियर पे डालते हैं इसके। ये इसका डोर पैनल, ये जो सीट्स आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है कंपनी से, इतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं आती इसमें। ये इसका कॉकपिट व्यू, म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ये आपका 5-speed ट्रांसमिशन, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 4x4 एंगेज करने का लीवर। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इस मॉडल में आपको एयर कंडीशन मिलता था कंपनी से इंस्टॉल्ड, बाकी कुछ इंटीरियर में वर्क किया गया है। इस मॉडल में कंपनी की तरफ से एयरबैग्स नहीं आते थे, उस टाइम पे सेफ्टी के इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं थे इंडिया में, और जब कोई थार में बैठा है तो उसे अपनी सेफ्टी से ज़्यादा दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इसका कमांडिंग व्यू, आपको बोनट एंड टू एंड दिखाई देता है, ऐसा लगे आप सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं। ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं, ये इसका रियर स्पेस है, और चलिए अब गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाते हैं। तो मिलते हैं ओनर से, जसबीर बलारा भाई, क्या हाल है भैया? बिल्कुल बढ़िया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। और आपसे आपकी थार का थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे, आपने कितने टाइम रखी और इसके पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कब ली थी? 2014 में ली थी ये। 2014 में ली थी, 9 साल हो गए अभी। 9 साल हो गए। और क्या कितने में पड़ी थी आपको ऑन रोड? ये 8.5 लाख। 8.5 लाख, ये टॉप मॉडल है? यही एक मॉडल आता था दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली NCR के लिए एक यही मॉडल था, CRDE 4x4 उस वक्त। और ना कोई ऑप्शन था हार्ड टॉप ना सॉफ्ट टॉप, सिर्फ एक सॉफ्ट टॉप में आती थी। और इसमें DIB करके एक इंजन आया करता था? DIB इंजन आता था दिल्ली NCR से बाहर। अच्छा, दिल्ली NCR में वो अवेलेबल ही नहीं था? अवेलेबल ही नहीं था। ओके। और आप इसमें
कंपनी से लेने के बाद और एक्स्ट्रा आपने क्या क्या लगवाया, एक बार थोड़ा गाड़ी का वॉक अराउंड दीजिए और बताइए। कंपनी से लेने के बाद हमने जो इसमें करवाया है, क्योंकि कंपनी से आपको हार्ड टॉप नहीं मिलता था, सबसे पहली चीज मिला था हमें सॉफ्ट टॉप, ठीक है, पूरा सॉफ्ट टॉप था ये, बिमरा से हमने हार्ड टॉप करवाया है, जिसमें हार्ड टॉप, फ्लोर मैटिंग, ये जो फ्लोर मैटिंग है ये सब, ठीक है, बिमरा गुड़गांव, हाँ बिमरा गुड़गांव से, ठीक है, 4x4 के नाम से ज्यादा जानते हो, हाँ जी, ये जो है इसकी रूफ, ये ब्लैक वेलवेट लाइनिंग करवा रखी है, वेलवेट लाइनिंग करवाई थी, और ये जितना भी अंदर का कंसोल है, म्यूजिक सिस्टम और ये सेंटर कंसोल, ठीक है, ये सब जो है वहीं से डलवाया था हमने, शायद जो सीटें हैं हाँ वो हमने बाहर से तैयार करवाई थी दोबारा से बिमरा से, हाँ, क्योंकि ना तो उस वक्त इसमें अंडर थाई सपोर्ट था, हाँ, और ना ही इतनी कुशनिंग थी, थोड़ी हार्ड सीटें होती थी जो कंपनी से आती थी, तो अगर बहुत लंबी ड्राइविंग करनी पड़ जाए 50-60 किलोमीटर की तो उसी में ही आदमी थक जाता था। उसके अलावा एलॉयज दिखाई दे रहे हैं, नहीं ये एलॉयज डलवाए थे, यही काम जो है हमने करवाया हुआ था, और ये पावर विंडो, ये पावर विंडो वगैरह सब बिमरा से करवाया, सब बिमरा से, बिल्कुल खाली स्टॉक गाड़ी आई थी, कुछ नहीं था इसमें पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, फ्लोर मैटिंग, और ये रूफ, और ये हार्ड टॉप, ये सब वहीं से करवाया था, ठीक है, और तो उस वक्त हमें शायद लगभग 1.5 लाख के करीब करीब का पड़ा था, और ये एलॉयज उसके बाद डलवाए कुछ टाइम के बाद। इस सारे सामान पे आपको कुछ वारंटी वगैरह भी मिली थी बिमरा से? बिमरा से कुछ वारंटी मिली थी इसकी भी, लेकिन शायद साल दो एक साल की वारंटी थी, तो याद भी नहीं है, 2015 में काम कराया था, लेकिन बिमरा से काम कराने के बाद एक यही इशू था कि जो जगह जगह से जो ये पेंट होगा इस पे, ये कुछ भी लाइनिंग वगैरह है, फाइबर वगैरह पे जो पेंट था या क्या था, क्रैक्स आ रहे हैं इसमें, सब क्रैक जगह जगह से है, और उसके अंदर में जो कमियां थी कि जो फ्लोर मैटिंग की तो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि वहीं खड़े होकर दोबारा जाके करवानी पड़ी थी, वहीं साथ में लग के, क्योंकि वो पेस्टिंग जो है जगह जगह से उखड़ी हुई थी, मतलब क्वालिटी का थोड़ा सा कंसर्न था, बहुत बुरी हालत थी, इतना मजा नहीं आया काम करवा के भी, कि 1.5 लाख रुपए भी दो और फिर उसके साथ में दो ढाई ढाई घंटे खड़े होकर काम करवाओ, मतलब खड़े होकर काम करवाना पड़ रहा है, हाँ, और उसमें एक और इशू था, ये जो उस वक्त इनका ओपनिंग की यहाँ एक हैंडल होता था, हाँ, कुछ टाइम के बाद इन्होंने मॉडल चेंज किया तो ये अब अवेलेबल ही नहीं रहता, अच्छा, हाँ, हैंडल ही हटा दिया, हाँ ये हैंडल हटा दिया है, अब शायद इन्होंने बटन कुछ यूज किया है ये, हाँ, लिड खोलने के लिए, ये लिड खोलने के लिए, और ये जो है शायद महिंद्रा भी इसी से इम्प्रेस होके उसने वो निकाली है, नई वाली थार, पहले इसको बंद करो, ये बंद करो और फिर ये बंद करो, और सेम महिंद्रा भी आज के टाइम पे यही दे रहा है, ना इसमें कोई वाटर लीकेज वगैरह नहीं है, अच्छा, और जैसे कोई रेटलिंग नॉइस वगैरह, कोई नॉइस नहीं है, कच्चे पक्के रास्ते में, पक्के में कुछ नहीं है, ना ही ये गाड़ी कोई आपको फील देती है हिलने की, और ऊपर जैसे स्कॉर्पियो में कहीं ना कहीं हमें बॉडी रोल फील होता है 80 पे भी, इसमें कोई वो नहीं है, और जैसे मैं आगे देख रहा हूँ इसमें आपने LED बार भी लगवा रखा है, हाँ, ये भी वहीं से लगवाया था, ये भी बाद में लगवाया, ये बाहर से लगवाया है, अच्छा बिमरा से नहीं है, ये बिमरा से नहीं लगवाया, ठीक है, और मेरे ख्याल से इसमें मेटल बम्पर आते थे, उसमें मेटल बम्पर होते थे, लेकिन उसके बाद में जब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज किए तो हमने भी इसको हटा के मेटल वाले को, और ये प्लास्टिक वाला लगवा लिया आपने, हाँ, सारा ठीक है, और ये आगे मॉस्किटो नेट करके कुछ है, ये सब बिमरा से लगवाया था, ये भी किट का पार्ट है, ये भी वहीं से लगवाया था बिमरा से ही, तो ये सारा सामान लगभग गाड़ी के अलावा आपको 1-1.5 लाख रुपए ऊपर लगा इस पे, हाँ, ये इनको छोड़ के, इसको ये बम्पर और ये लाइट को छोड़ के, ठीक है, और अच्छा इसको आप मतलब सिटी में ज़्यादा चलाइए हाईवे पे ज़्यादा चलाइए गाड़ी, दोनों जगह ही मिक्स चली है, मिक्स चली है, तो एवरेज का क्या हिसाब किताब है? लगभग सिटी में इसकी होती थी 12-13 की एसी में, और हाईवे पे 14-15 निकाली है इसे हमने, 2600 cc का इंजन, 2600 cc में 14-15 की एवरेज, इतनी तो 1500 cc ना देती आज तक आजकल की गाड़ियां, लेकिन इससे निकाली हमने, और कोई इशू नहीं है, बस इसमें एक इशू महिंद्रा की तरफ से ये था कि यहाँ एक जो है बॉटल है वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ओपन करके, ये जो बोतल है, हाँ, ये बोतल जो है महिंद्रा ने एक बहुत ही गलत से उस पे लगाई हुई है, पोजीशनिंग इसकी गलत है, पोजीशनिंग बहुत गलत है, ये पत्ती जो है हमने काटी है बाद में, अच्छा, वरना ये इस पे टच होती थी
और जिसकी वजह से बॉटल हमने चेंज कराई है, ये बॉटल भी चेंज है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये बहुत तगड़ा महिंद्रा का इंजीनियर्स की कमाल, मतलब गाड़ी को कस्टमर्स पे ही टेस्ट करना है। बाकी ये गाड़ी 140-145 में भी कोई इसमें बॉडी रोल नहीं है हाईवेज पे, मतलब इतनी ऊंची गाड़ी, शायद आपने और ऊंची करवाया है इसको मेरे ख्याल से। टायर चेंज थे, जो पहले आता था इसमें आता था 235-70-16 का टायर, हमने 245-75-16 डलाया बाद में, तो टायर चौड़ा भी और हाइट भी बड़ी है। हाइट भी बड़ी है, उसका भी रीजन है क्योंकि महिंद्रा की इस गाड़ी में जो कमी थी वो यही है कि जब हमने ली उसके बाद में इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई थी। अच्छा, नॉर्मल रोड पे चलने के बाद भी इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई थी। उसमें अलाइनमेंट कहीं और बाहर नहीं होती, सिर्फ महिंद्रा में होती है। उसकी भी एक ड्रॉबैक ये है कि पूरा दिन लगाते हैं महिंद्रा वाले अलाइनमेंट सेट करने के लिए, और वो बाहर कहीं नहीं होती क्योंकि इसमें फिश पिन डलती है। अच्छा, यहाँ से शॉकर वगैरह खोल के और वहाँ डाली जाती है। तो ये बाहर के कारीगरों के बस की नहीं है। 3000 किलोमीटर में टायर साफ कर दिए थे। 3000 में? 3000-3500 किलोमीटर चली थी अलाइनमेंट आउट होने के बाद। और वो टायर मैं दिखा देता हूँ आपको, जो अलाइनमेंट आउट होने के बाद ये हालत थी, ये था वो टायर। ये कंपनी का स्टॉक टायर है, कंपनी का स्टॉक टायर है ये 235-70-16 जो आया था। तो एक साइड से तो पूरा खत्म है, और ये दोनों ही टायर ऐसे थे, ये खत्म कर दिए थे। दो टायर बिल्कुल पीछे वाले सेफ बचे हुए थे और आगे वाले दोनों टायर जो है खत्म थे। 30,000 पे? हाँ, ये 32,000 पे अलाइनमेंट आउट हुई थी, 32,000 किलोमीटर के आसपास, और 35-36,000 पे टायर साफ थे वो। ओके, हाँ, तो उसके बाद जो है मैंने अलाइनमेंट करवाने के बाद फिर दोबारा से टायर डलवाए थे। और इसकी हाईवे स्टेबिलिटी आप बता रहे हो कि बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में? नहीं, कोई स्कॉर्पियो के अगर हम कंपेयर करते हैं पुरानी गाड़ी से तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा, इसकी स्टेबल है, रोड पे ग्रिप अच्छी है और उससे अच्छी चलती है। मतलब ट्रिपल डिजिट स्पीड्स भी आप, हमने टच की हुई है 145, खुद मैंने टच करके देखी हुई है इसमें 145 तक लेके गए आप थार को? क्योंकि पुरानी थार और नई थार में लोग यही कहते हैं कि नई थार काफ़ी स्टेबल है पुरानी के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप इस पे आपने जो अगर हम सिटिंग देखते हैं, हाँ, तो नई वाली से ज़्यादा बेटर है। हम रोड प्रेजेंस जो इस पे दिखता है ड्राइवर को, इसमें फील वो चीज़ें नहीं होती। और जो इसके बाद जो है इसमें जो जो नेगेटिव्स थे वो ये थे एसी वेंट्स। अच्छा, जो ये एसी वेंट है वो ये सामने कोल्ड पैसेंजर के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उसके लिए तो ये गर्मी हो तो हवा ही नहीं जाती है उसके ऊपर। इसके बाद जो प्लास्टिक बम्पर में गाड़ी आई थी, इसके बाद शायद 16 या 17 में उसका डैशबोर्ड डिफरेंट था, थोड़ा सा चेंज था, और डैशबोर्ड में राउंड करके वो एसी वेंट्स थे। हाँ जी, वो घूम जाते थे। और ये वाले, अच्छा, इसकी मेन दिक्कत है कि आप अपनी तरफ इसको वो नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट ज्यादा नहीं घूमते, वहां तक हवा नहीं पहुंचती। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या, सीधी हवा फेंकेंगे बस, ये सीधी फेंकते थे, हल्का फुल्का चेंज होता है बस, ठीक है। लेकिन एसी बहुत जबरदस्त है, अगर हम उसमें भी खड़ी करें गर्मियों की मई जून में भी खड़ी है, 5 मिनट दरवाजे खोलो एसी ऑन कर दो गाड़ी चिल, तो थोड़ी देर के बाद ही करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर पे ही गाड़ी में कूलिंग शुरू हो जाती थी। हाँ, क्योंकि 2600 cc का इंजन है तो कहीं तो बेनिफिट देगा उस चीज़ का। एसी बहुत अच्छा था, बस ये जो है सॉफ्ट टॉप की वजह से ही वो चोरी, सामान चोरी ना हो या, इसलिए हमने हार्ड टॉप करवाया था आपने, उसकी वजह से गाड़ी की लुक भी। एसी बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल एसी है। अच्छा, सॉफ्ट टॉप में भी आपने रखी, हाँ, तो वहाँ भी एसी सक्सेसफुल था इसका। अच्छा, तो अच्छा थार है तो इसका तो खैर अलग ही रोब है भाई, तो रोड प्रेजेंस कैसी है इस गाड़ी की? अच्छी है, मतलब गाड़ियाँ बिना हॉर्न दिए हट जाती हैं। अब सिटी में चलाते हुए सबसे अच्छा फायदा जो दिल्ली में होता है ना, तो बाइक स्कूटी वाले और ऑटो नजदीक लगते, जल्दी से नजदीक नहीं आते, वरना तो सबसे ज्यादा परेशान करता है ऑटो और बाइक और ये टू व्हीलर, हाँ, वो अपने आप ही हट जाते हैं। और कमांडिंग व्यू तो खैर है ही इसके, और सबसे अच्छी चीज डैशबोर्ड का है, तो इधर उधर छोटे मोटे जैसा आज के टाइम पे दिल्ली में गड्ढे वगैरह हैं, क्योंकि इस गाड़ी में स्टॉक में 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस थी, आपने तो खैर टायर अप साइज करवा रखे हैं, तो 200 से ज्यादा ही होगी, ये शायद 215 के करीब करीब mm इसमें, तो ग्राउंड क्लियरेंस की तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं आपको। बाकी इसमें आपने कभी ऑफ रोडिंग 4x4 लगाया? करा है, 2-3 बार यूज किया हुआ है, जैसे ही गलियों में निकलते हैं या कोई मेन हॉल में गिर गई, कहीं फंस गई तो हाँ। और बाकी इधर उधर जब हम अपने फार्म पे जाते हैं तो वहाँ उसको खेत में जबरदस्ती चला के कीचड़ में,
वहाँ 4x4 का यूज किया हुआ। मतलब इसका नॉर्मल टू व्हील ड्राइव इतना कैपेबल है कि ये नहीं फंसेगी। 4x4 तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है, तो ये है कि टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि काम कैसा करता है। और गियर वगैरह लगने गाड़ी का, गियर वगैरह में कोई इश्यूज नहीं है, कोई अटकना वगैरह कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं। क्लच कैसा है गाड़ी का? क्लच थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड है वो तो, बट अगर हम दूसरी गाड़ी से कंपेयर करें तो फिर भी बहुत सॉफ्ट है इतने बड़ी गाड़ी में और एसयूवी में। जीप अगर हम इसको दूसरी तरीके से सोचे, जीप को कंपेयर करते हैं, जीप में ले जाएं कि जो एसयूवी जो महिंद्रा की पुरानी जीप होती थी उनसे तो सॉफ्ट है, उनसे सॉफ्ट है। और चलो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी बता दी आपने, थोड़े नेगेटिव्स बताओ इसके बारे में, क्योंकि कोई गाड़ी परफेक्ट तो खैर कभी हो नहीं सकती। इसकी सबसे मेन वही है, इसके जो सस्पेंशन में जो इसकी जो दिक्कत है, अलाइनमेंट वाली सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है। तो आपने अपने अलावा भी और किसी थार में मतलब पता कराओ कि सब में ही आ रही है, आपकी खाली आपकी गाड़ी में आ रही थी? फ्रेंड के पास भी थी, उसके पास भी थार थी, उसमें भी ये सेम इश्यूज थे अलाइनमेंट की। और इसमें क्या है, जैसे ही अलाइनमेंट आउट होती है तो टायर ऐसे हो जाते हैं टेढ़े। अच्छा, आज जैसे ये उस कंपनी का टायर दिख रहा है फ्रंट से, जिस ऐसे हो जाते हैं टायर, आपको पता चल जाता है कि अब ये बाहर हो चुकी है अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा। और अलाइनमेंट के अलावा एक आपने, अगर हम एसयूवी लें और फिर उसके बाद हम अलाइनमेंट से जूझें तो फिर वो कोई यूज नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसे तो रफ एंड टफ चलना है। हाँ, अलाइनमेंट तो उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये अलाइनमेंट भी तब आउट हुई थी जब ये दिल्ली की सड़कों पे चली, कोई गड्ढे भी नहीं इतने ज्यादा। ऑफ रोडिंग कर देते तो ये तो और शायद, और उससे पहले ये 10-15 हज़ार किलोमीटर पे ही हो जाता है, अलाइनमेंट मांग लेती। और अलाइनमेंट के अलावा कोई आपको फॉल्ट लगता हो? इससे ज्यादा अच्छी अलाइनमेंट मेरे पास उस वक्त टोयोटा एटियोस होती थी, तो इससे ज्यादा गड्ढे भी कूदी थी और इधर उधर, इससे ज्यादा ऑफरोडिंग ज्यादा कह सके तो उसने कर दी थी, लेकिन ये उससे और उसकी कभी अलाइनमेंट आउट नहीं हुई, इसकी जरूर अलाइनमेंट आउट हो गई थी। तो और इसके साथ में हमेशा एक ही इशू रहता था कि कभी भी रफ चलाओ तो फिर हर कुछ टाइम के बाद में 5 से 7 हज़ार किलोमीटर पे अलाइनमेंट चेक करवानी पड़ेगी अपनी, वरना फिर नए टायर का खर्चा उठाने के लिए तैयार रहो। तो वो महिंद्रा की खैर पुरानी आदत है, वो कस्टमर पे टेस्टिंग करते हैं। बाकी जो है महिंद्रा को उस वक्त ही ये अगर हार्ड टॉप देते तो ज़्यादा बेटर था, कंपनी से ऑप्शन आता जैसे कि अब थार में आ रहा है। और खैर अब की नई थार में भी ये है, मतलब मैं ये दिखाना चाहूँगा व्यूअर्स को, ये मतलब ये तो खैर पुराना मॉडल है, बट ये नई वाली में भी यही आ रहा है। आप 20 लाख रुपए दे रहे हो, उसके बाद भी आपको फ्रेंड ने ली है 4x4, उसके पास भी सेम यही है कि वो चाबी दो और फिर ये खुलाओ, फिर ये खुलवाओ। 20 लाख दे के भी अगर हमें ये चाबी देनी पड़ रही है और अंदर से एक स्विच देने में भी महिंद्रा इतनी कंजूसी कर रहा है, तो इन छोटी छोटी चीजों पे महिंद्रा को काम करना चाहिए। खैर और कोई नेगेटिव जैसे आपको लगते हो? महिंद्रा ने जो इसके हैंडल्स की क्वालिटी दी थी वो भी कोई खास नहीं दी थी, ये तीसरी बार जो है हैंडल चेंज हुआ था, ये तो कुछ जुगाड़ सा कर रखा आपने। ये भी जो है इसीलिए करना पड़ा कि जब भी डलाओ ये लॉक भी ऐसे ही आते थे। अच्छा, हाँ, ये कभी शायद 7वीं या 8वीं बार चेंज हुआ है लॉक, ये बटन ही टूट जाते थे। तो फिट एंड फिनिश की बहुत इश्यूज थी। और इसमें एक इशू और है, गाड़ी को धोते समय यहाँ कहीं से इसके अंदर पानी जाता था, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पे। हाँ, ये डैशबोर्ड में नहीं, नीचे आता है यहाँ पानी। अच्छा, नीचे अंदर नीचे कहीं पानी आता है और ये धुलने के बाद यहाँ कहीं से जाता है और यहाँ कहीं भी नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ा इशू है इसको बारिश में ड्राइव करते समय, जैसे ही आप चलाओगे कहीं पानी है तो सारा पानी जो है उड़ के शीशे पे आता है, एकदम से विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो वो तो खैर अगर किसी जैसे दिल्ली में बारिश होती है और जब पानी भर जाता है उसमें कोई इशू नहीं है कि कितने पानी में से निकाल दो, पूरा टायर डूबा हुआ है इसमें हमने निकाली हुई है। हाँ खैर, वो तो थार है तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके लिए, जब इतनी ऊंची इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ी रफ एंड टफ तो अब थार ले रहे हो तो थोड़ा नेगेटिव्स तो झेलने पड़ेंगे आपको, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो इसके पॉजिटिव है वो देखे जाए तो नेगेटिव उतने मैटर नहीं करते, बट कहीं ना कहीं महिंद्रा को सोचना चाहिए कि अगर आप गाड़ियाँ इस तरह की दे रहे हो तो आपको उस हिसाब से ही आप कस्टमर को चीज़ें प्रोवाइड करो। ठीक है, और कोई नेगेटिव लगता हो आपको गाड़ी में? मुझे और कोई नेगेटिव लगता नहीं है, ये डैशबोर्ड वगैरह तो ये तो अब तो खैर नए मॉडल में चेंज ही हो गया सारी चीज़ें। अच्छा, मेरा अब आप इससे पहले काफ़ी सारी गाड़ियाँ रख चुके हैं? हाँ, इससे पहले काफ़ी सारी गाड़ियाँ, इससे पहले मेरे पास क्वालिस भी रही है, इनोवा भी रही है, इटियोस है, पोलो भी रही है, मारुति की और भी गाड़ियाँ, और अभी भी आप पे अभी भी मेरे पास काइगर और अर्टिगा है। तो ठीक है, उसकी फिर किसी दिन बनाएंगे। बिल्कुल।
और अभी आपसे मेरा एक सवाल होगा कि आप नए वाली थार लेना चाहोगे या अभी जिम्नी भी लॉन्च होने वाली है? मैं वेट करूंगा जिम्नी के लिए। जिम्नी के लिए जिम्नी ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा आपको? देखना पड़ेगा कि जिम्नी और उसको फाइव डोर में कंपेयर करके कि थार 4x2 में भी शायद ये फाइव डोर निकालेंगे। हाँ निकालेंगे, लेकिन वो महंगी होगी, लेकिन फिर भी देखेंगे, क्योंकि अगर जिम्नी की भी माइलेज वगैरह और वो सारी चीजें अच्छी रही और परफॉर्मेंस जिम्नी की अच्छी है तो फिर जिम्नी पे जाएंगे, क्योंकि जिम्नी आपकी क्या कहते हैं थार से ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए सस्ती मिलेगी आपको। इशू जो आता है वो आता है इसमें जो जगह जगह जंग लगने वाले इशू है। अच्छा रस्टिंग की प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में? है इसमें यहाँ एक रस्टिंग की इशू है, ये रहा, ये पेंट करवा रखा आपने शायद, पेंट जो है करवा दिया था, ये रस्टिंग का इशू है इसमें, कुछ जगह पे और भी है जैसे वो बोनट पे दिखाई दे रहा है आगे, हाँ बोनट पे वहाँ दिख रहा है, और भी इसमें रस्टिंग के इश्यूज हैं, जब मैं इसको उठाएंगे तो थोड़ा रस्टिंग का इशू है। और ये हाल तब है जब ये गाड़ी परमानेंट जो है शेड में खड़ी होती है, ओपन में खड़ी नहीं होती, ओपन में खड़ी ही नहीं हुई है ये गाड़ी। ठीक है भाई, तभी शायद ये जो इसकी हार्ड टॉप है ये भी इसीलिए बची हुई है अभी तक, वरना अगर ये परमानेंट ऑल वेदर में खड़ी रहती बाहर तो इसका तो रंग ही उड़ जाता हार्ड टॉप का, शायद हार्ड टॉप तब अब तक क्रैक हो चुका होता, क्रैक हो चुका, अभी भी इसमें खैर क्रैक्स आ चुके हैं। और बिमरा को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, हाँ बिमरा का, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब वो इसमें जो है टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, तो अच्छा गाड़ी की, हाँ क्योंकि इसकी क्या कहते हैं व्हील बेस कम है ना, तो इस वजह से मैं शायद हमने कंपेयर किया था स्कॉर्पियो में शायद 5.2 का था, इसमें 5 मीटर का है, 5 मीटर का है रेडियस। नए वाली थार इससे लंबी है, उससे इससे कम इसका ग्राउंड, इसका टर्न रेडियस कम है इसका उससे कंपैरेटिवली। सोचना चाहिए अगर आप सब 4 मीटर गाड़ी दे रहे हो 20 लाख रुपए की, कम से कम कस्टमर्स पे कुछ तो रहम करें महिंद्रा। हाँ नहीं फिट एंड फिनिश पे तो खैर ना, तो फिट एंड फिनिश और प्राइसिंग आप 20 लाख रुपए सब 4 मीटर गाड़ी के ले रहे हो वो ये फैन फॉलोइंग है ना, थार नाम है और उस नाम के लिए फिर भी कस्टमर्स के साथ इतना भी अत्याचार ना करें जो मर्जी मुंह मांगा रेट। खैर अब जिमनी आ रही है ना तो थोड़ी सी, तो देखो जिमनी आएगी थोड़ी अगर ढीली हो जाएगी लेकिन वो पहले गुरखा भी आई थी, गुरखा से कुछ नहीं हुआ, गुरखा की बात अलग थी और जिमनी की बात अलग है, क्योंकि मारुति का फैन बेस अलग है। कुछ चीजें जो है इसके साथ में कंपनी से ही देनी चाहिए जो आरटीओ अप्रूव्ड हो, जैसे इसके ऊपर में रूफ रैक वगैरह, क्योंकि ताकि हम कहीं भी ट्रेवल करें तो रख सके चीजें। इसमें क्या है अंदर बैठने के बाद हम कोई सामान नहीं रख सकते, गुरखा में आता है कंपनी से आपका, उससे ज्यादा गुरखा में बहुत ज्यादा स्पेस है इसके मुकाबले। हाँ देखो तो अगर हम बैठते हैं तो पीछे सिर्फ इसको खोलना भी अपने आप में एक ये हैंडल टूटने के बाद ऐसे ही है। अब अगर हम सामने दो आदमी बैठेंगे तो घुटने टच होते हैं और सामान हम कुछ कैरी कर ही नहीं सकते अपने साथ, अगर 7 आदमी बैठते हैं तो। खैर ये कुछ चीजें हैं जो नई थार में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव करा है, जो अंदर से सामने से घुस के जाने वाला है ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, तो 5 डोर थार का वेट करेंगे जिसको प्रॉपर 5 डोर गाड़ी चाहिए, रियर सीट जिसको यूज करनी है। और ठीक है इसको कर दो बंद, हाँ जी कर दीजिए। तो ठीक है, तो ये था एक वॉक अराउंड और थार 2014 मॉडल का रिव्यू ओनर की तरफ से, बाकी धन्यवाद थैंक यू जसबीर भैया का हमारे चैनल पे आने के लिए। ओके दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, ये एबी ब्लॉग, हाँ और ये मिस्टर आरव एबी ब्लॉग से, हाँ। मैं इनके चैनल का हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ डू वॉच हिज वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा ओके ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द अनदर वन, बाय।